मंडी जिला में पर्यटक इन दिनों कुल्लू मंडी सड़क मार्ग पर झीड़ी में ब्यास नदी के ठंडे पानी की उफनती लहरों के बीच अटखेलियां कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से राहत पाने के लिए पड़ोसी राज्य के पर्यटक भारी संख्या में हिमाचल पहुंच रहे हैं। पर्यटक झीड़ी में प्राकृतिक सौंदर्य के दीदार के साथ साथ रिवर राफ्टिंग का जमकर आनंद उठा रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि यहां पहुंचकर उन्हें स्वर्ग जैसी शीतलता का एहसास हो रहा है। फर्स्ट टाइम ही राफ्टिंग किया हुआ है, लेकिन बहुत हमने तो पहले ही बोला था कि नॉर्मल ही चाहिए, क्योंकि वो ऊपर नीचे करते हैं, ज़्यादा ठंडा पानी था और वहाँ के एटमोसफेयर से यहाँ पे बेहतर है। बहुत थ्रिलिंग लगा, अच्छा लगा। इससे पहले राफ्टिंग तो नहीं की, फर्स्ट टाइम ही था। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन बाद में नॉर्मल हो गया, अच्छा था, एडवेंचरस था। पहली बार एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा है, बहुत पानी बहुत ठंडा है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे इससे बहुत अच्छा है। राफ्टिंग थ्रिलिंग थी, थोड़ा थ्रिलिंग हो गया और मज़ा आ गया। वहीं राफ्टिंग एसोसिएशन झीड़ी के उपाध्यक्ष चंद्र किरण ठाकुर ने बताया कि यहां बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है, लेकिन पर्यटकों की आवाजाही समय के साथ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को यहां 7 किलोमीटर और 14 किलोमीटर लंबी राफ्टिंग राइड करवाई जाती है और सुरक्षा के सभी पुख्ता मापदंड किए जाते हैं। लास्ट ईयर में ज़्यादा थे, इस बार थोड़ा कम टूरिस्ट हैं, और ऐसा कि राफ्टिंग हो रही है प्रॉपरली, सेफली राफ्टिंग हो रही है, ऐसा प्रॉपर तरीके से राफ्टिंग की जा रही है। जो राइड रहती है यहाँ पर हमारे पास 14 किलोमीटर की रहती है, 7 किलोमीटर की रहती है, तो इसका जो चार्ज रहता है, एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमारे को प्राइस जैसे दिया, हम जो चार्ज करते हैं 6 किलोमीटर का करते हैं 1200 पर पर्सन, 14 किलोमीटर का करते हैं 2800 पर पर्सन।